कुत्ते और कार्टून कैरेक्टर के साथ शादी से लेकर दानवाकार व्यक्ति से शादी तक। आज बात करेंगे दुनिया की कुछ सबसे अनोखी कपल्स की, जिन्हें देखकर मेरी तरह शायद आपका भी मुंह खुला रह जाए। जोलिसन फर्नांडीज। ब्राजील के सबसे लंबे शख्स की लव स्टोरी की यदि बात करें तो इन जनाब को भी काफी ज्यादा प्यार करने वाली वाइफ मिली है। दरअसल जोलिसन नाम के इस शख्स के पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर होने के कारण उसकी हाइट लगातार बढ़ती ही जा रही थी और जोलिसन इससे काफी ज्यादा परेशान भी था। अंत में उसकी बीमारी का इलाज तो किया गया, लेकिन तब तक जोलिसन की हाइट 7 फीट 8 इंच तक पहुंच गई थी। लेकिन इसके बाद भी उन्हें एक लड़की ने पसंद कर लिया। जानकर हैरत होगी कि 7 फीट 8 इंच लंबे जोलिसन को महज 5 फीट लंबी लड़की ने पसंद किया। 5 फीट की लड़की को आमतौर पर साधारण लड़कों के लिए भी छोटी माना जाता है। सूत्रों के मुताबिक जोलिसन और उसकी वाइफ के बीच इस कंडीशन के कारण बच्चे भी नहीं हो सकते, लेकिन उन्होंने एक बच्चे को अडॉप्ट कर लिया और हंसी खुशी से प्यार करते हुए अपनी लाइफ जी रहे हैं। एलिजाबेथ हॉर्ड। अब तक आपने देखा कि कपल्स में सिर्फ इंसानों के साथ प्यार था, अब चाहे वो इंसान कैसा भी हो। लेकिन अब हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो एक ऐसी लड़की है जिसने दुनिया भर में एक भी लॉयल आदमी नहीं मिलने का दावा करते हुए एक कुत्ते से शादी कर ली। इन मोहतरमा ने अपने कुत्ते से शादी की और अपने कुत्ते से वो सभी कस्मे वादे भी किए जो कि आमतौर पर शादियों में लोग एक दूसरे के साथ करते हैं। एलिजाबेथ का इस शादी पर कहना है कि उसने 4 बार सगाई की और 221 लड़कों को डेट किया, लेकिन एक बार भी उसे वो लड़का नहीं मिला जिसकी वो तलाश कर रही थी और अंत में उसने हार मान ली और एक कुत्ते से शादी कर ली। एलिजाबेथ का कहना है कि इस कुत्ते ने उसे उन सभी लड़कों से कहीं ज्यादा खुशियां दी जिनके साथ वह डेट पर गई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया भर में कुत्ते से शादी करने वाले सिर्फ एलिजाबेथ ही नहीं है, ऐसी ही और भी कई लड़कियां हैं जिन्होंने एलिजाबेथ की तरह कुछ न कुछ वजह से कुत्ते से शादी कर ली। एंटोन क्राफ्ट। एंटोन क्राफ्ट नाम का ये जनाब पेशे से एक बॉडी बिल्डर है। 4 फीट की हाइट के एंटोन को अपनी तरह किसी बोनी लड़की के साथ शादी रचाने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। इन जनाब को एक हॉट, सेक्सी और अच्छी हाइट वाली लड़की की तलाश थी। एंटोन को चाइना बेल नाम की एक लड़की मिली। ये लड़की जन्म के समय एक लड़का थी, लेकिन बाद में उसने एक लड़की के रूप में जीना ज्यादा बेहतर समझा और जेंडर चेंज करवाकर अपनी बॉडी को लड़की के रूप में ट्रांसफॉर्म कर लिया। आज एंटोन क्राफ्ट और चाइना बेल हंसी खुशी अपनी लाइफ प्यार के साथ जी रही हैं। एमिली जेनिंग्स। हमें फिल्मों में हमेशा यही दिखाया जाता है कि एक अच्छा रिलेशन तभी बन सकता है जब आप सुंदर है या आपकी जोड़ी काफी गुड लुकिंग है, लेकिन 300 किलो वजनी एमिली नाम की इस लड़की के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपने मोटापे से परेशान इस मोहतरमा को कोई भी लड़का अपना लाइफ पार्टनर बनाने को तैयार नहीं था। लेकिन एक दिन एमिली को ऑनलाइन गेम खेलने के दौरान सीन नाम का एक जनाब मिला जो कि महज 60 किलो वजनी था। धीरे धीरे दोनों में बातचीत होने लगी और प्यार भी हो गया। 9 साल तक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में रहने के बाद साल 2019 में इन दोनों ने शादी कर ली। गौरतलब है कि सीन ने अपने से 5 गुना मोटी लड़की से शादी करने में पल भर के लिए भी नहीं सोचा और सीधा शादी कर ली। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अकिहिको कोंडो। जैसे कि एलिजाबेथ लड़कों से परेशान थी, ठीक उसी तरह से ये जनाब लड़कियों से परेशान थे। इन जनाब ने सैकड़ों लड़कियों से मिलने के बाद भी किसी लड़की के साथ कंफर्टेबल फील नहीं किया। ऐसे में उसने एक फेमस जापानीज कार्टून कैरेक्टर हत्सुने मिकू नाम की एक लड़की से शादी कर ली। जनाब ने इस एनिमेटेड कैरेक्टर जैसे डॉल्स और कई स्टैचू बनवाए और उनसे शादी करने का प्लान किया। यहाँ सबसे ज्यादा हैरत की बात यह है कि अकिहिको कोंडो ने इस कार्टून कैरेक्टर से शादी की और इस शादी में उसने 15 लाख रुपए से भी ज्यादा खर्च किए। इस शादी में अकिहिको ने 40 मेहमानों को बुलाया, लेकिन उसकी मां ने इस शादी में आने से साफ मना कर दिया क्योंकि उसे ये शादी जरा से भी हजम नहीं हो रही थी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।